मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाएं, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में विज्ञान लाया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में उद्योग लाए, हम अंग्रेज, ये बोला उन्होंने 40 मिनट। अगले दिन ये भाषण इंग्लैंड के अखबारों में छपा, तो कई अखबारों ने टिप्पणी लगाई, हेडिंग लगाया कि लगता है भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में ही है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो गान गा रहा है यहाँ आकर, वो एक स्वतंत्र देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री का गाना नहीं है, ये तो गुलाम देश के गुलाम प्रधानमंत्री का गाना है। और मैंने ये दो नाम इसलिए लिए कि दोनों जिंदा हैं ये, हाँ दोनों जिंदा, और इनके साथ मेरे दिल की तमन्ना है कि एक बार इनको मंच पे बिठाओ दोनों को, और मैं इनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। भारत के बारे में, और मैं उनको वो प्रमाण देना चाहता हूं, वो दस्तावेज सौंपना चाहता हूं जो भारत की कहानी कुछ और कहते। अब मैं आता हूं प्रमाणों पर, दस्तावेजों पर। हमारे भारत में अंग्रेजों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1618 में, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहला अधिकारी आया उसका नाम था थॉमस रो। थॉमस रो भी कहते हैं उसको, थॉमस रो भी कहते हैं। ये जहांगीर के दरबार में पेश हुआ तो जहांगीर के सामने इसने एक एप्लीकेशन दिया और ये कहा कि हमें भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। तो जहांगीर ने पूछा क्या व्यापार करोगे, तो वो चुप्पी मार गया। फिर पूछा उसको क्या व्यापार करोगे, तो उसने कहा खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है और बेचने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, यही उत्तर दिया था जहांगीर को। जहांगीर ने पूछा था तुम क्या बेचोगे यहां पर, व्यापार का मतलब तो कुछ बेचना और कुछ खरीदना। जहांगीर को मालूम नहीं था व्यापार का और भी कोई मतलब होता है। अंग्रेजों का एक शब्द है TRADE, ट्रेड। ट्रेड का एक मतलब है व्यापार, ट्रेड का दूसरा मतलब है लूट मार। जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, हमारे हिंदी में एक शब्द है कनक, कनक का एक अर्थ है धतूरा, कनक का एक अर्थ है सोना, कनक का एक अर्थ है गेहूं। वैसे ही ट्रेड एक शब्द है अंग्रेजी का, इसका एक मतलब है व्यापार, खरीदना बेचना, और दूसरा मतलब है लूट मार, प्लंडरिंग। आप अंग्रेजी डिक्शनरी पढ़ो 16th century की, वेबस्टर डिक्शनरी मैंने ढूंढी तो उसमें ट्रेड के सामने लिखा है प्लंडरिंग, लूट मार। तो ये आया थॉमस रो, तो इसने जहांगीर को कहा कि हम ट्रेड करेंगे, ये नहीं कहा व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। जहांगीर को लगा कि कुछ बेचेगा कुछ खरीदेगा, हाँ, और अंग्रेजों का था हम तो लूट मार करेंगे, है ही नहीं हमारे पास कुछ बेचने को और खरीदने को पैसे नहीं। खरीदने को पैसे क्यों नहीं थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया कंपनी थी, कुछ था ही नहीं उनके पास। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली मीटिंग की रिपोर्ट निकाली, मिनट्स, पहली मीटिंग हुई इनकी 1599 में। उस मीटिंग में प्रस्ताव हुआ कि ये कंपनी बनेगी और नाम इसका ईस्ट इंडिया रखा जाएगा। क्यों भाई, ये तो अंग्रेजों का नाम नहीं है ईस्ट इंडिया, ये तो भारतीय नाम है। अब अंग्रेज भारतीय नाम क्यों रखेंगे, कुछ तो रहस्य होगा। ईस्ट लंदन क्यों नहीं रखा, ईस्ट लंदन कंपनी, ईस्ट यॉर्कशायर कंपनी क्यों नहीं रखा, या वेस्टमिंस्टर कंपनी क्यों नहीं रखा उसका नाम। वेस्टमिंस्टर तो एक जगह है ना लंदन में, बड़ी मशहूर, जहां से उनकी सारी राजनीति चलती है और सारी दुनिया को गुलाम बनाने की साजिशें वहां रची जाती हैं। तो वेस्टमिंस्टर कंपनी क्यों नहीं रखा उसका नाम, ईस्ट इंडिया क्यों,
तो उसकी कहानी पता चली कि भारत का जो पूर्वी इलाका है माने बंगाल, इस बंगाल के इलाके से बहुत सारे पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने भारत के, और वो जहाज लंदन के नजदीक से गुजरते थे, अफ्रीका जाते थे, लैटिन अमेरिका तक जाते थे भारत के व्यापारी। तो जब पानी के जहाज गुजरते थे लंदन के नजदीक, तो अक्सर ये अंग्रेज उनको लूटा करते थे पानी के जहाजों को, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय यही था, लूट मार। कारण खेती होती नहीं, और आज से नहीं, सैकड़ों साल से नहीं होती। आपको सुनकर हैरानी होगी, अंग्रेजों के देश में खेत जोतने वाला पहला हल 1760 में बना, वो भी भारत के हल की नकल करके, उसके पहले हल ही नहीं था उनके पास। अब जिस देश के किसानों के पास हल ना हो, वो खेत में क्या जोत लेंगे, और वैसे भी खेत में कुछ होता नहीं वहां, तो खेती तो थी नहीं, खेती नहीं थी, उद्योग नहीं था। इंग्लैंड का भी वही हाल था जो जर्मनी की कहानी मैंने सुनाई, ये तो पूरे यूरोप का ऐसा ही हाल था। तो उनके यहां कुछ होता नहीं था, तो जिंदगी कैसे कटती थी उनकी, तो समुद्र के रास्ते पर ये इंग्लैंड पड़ता है, ये इनके भगवान ने नसीब में दे दिया समुद्र के किनारे, और उस रास्ते से सब जहाज जाते हैं। अगर आपको अमेरिका जाना है तो वहां से जाना पड़ेगा, अफ्रीका जाना है तो वहां से गुजरना पड़ेगा, लैटिन अमेरिका जाना है तो वहां से गुजरना पड़ेगा। तो इंग्लैंड का लंदन एक ऐसी जगह पर है जहां से अक्सर पानी के जहाज गुजरते थे व्यापार करने वाले, और दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करते थे दो देश, एक भारत और एक चीन, और इनके जहाज जाया करते थे अक्सर। तो उन जहाजों को ये अंग्रेज लूटते थे। तो भारत से जो जहाज कलकत्ता वाले इलाके के होते थे, ईस्ट इंडिया वाला, पूर्वी भारत का इलाका, वो जहाज भरे हुए होते थे माल से, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, और बहुत प्रचंड माल रहता था। अंग्रेज जब लूटते थे तो बहुत मिलता था उनको, इसलिए उनको लगा कि भारत का जो ईस्ट पार्ट है ये बहुत समृद्धशाली है, यहीं लूटना है हमको, तो नाम रखा ईस्ट इंडिया। ये तो चालाकी अंग्रेजों की हमेशा से है, अंग्रेजों की नहीं, यूरोप के लोगों की। जिस देश में जाओ उसी देश का नाम अपनी कंपनी के साथ लगाओ, हिंदुस्तान लीवर, सुना है कि नहीं? कंपनी तो मूलतः इंग्लैंड की है ना, यूनिलीवर, नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर, ताकि आपको उल्लू बना सके कि भारत की कंपनी। करोड़ों भारतवासियों को मालूम नहीं हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी है, पढ़े लिखों को मालूम नहीं, वो तो मुझे तर्क करते हैं, राजीव भाई ये तो भारत की कंपनी है ना, नाम में हिंदुस्तान लगा हुआ है। ऐसी ही कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतवासियों को लगे कि ये भारत की कंपनी, तो आ गए लेके उसको। अब पैसे तो थे नहीं, क्योंकि ये कंपनी दिवालिया थी। जब कंपनी बनी ना, तो मैंने वो मिनट्स देखी इनकी 1599 वाली, उनकी मिनट्स वहां लंदन में रखी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस रहा लंदन में, वहां पुराने रिकॉर्ड्स हैं। तो देखा तो इनकी इनिशियल पेड अप कैपिटल जीरो थी, शून्य, पैसे ही नहीं किसी की जेब में, और कंपनी बना ली, तो कैसी कंपनी होगी अंदाजा लगा लो, पैसे तो थे ही नहीं। फिर ये राजा के पास गए और कहा कि हमको लाइसेंस दे दो, हम जाएंगे भारत में। तो राजा ने पूछा, गांठ में कुछ है, पैसे वैसे हैं? तो उन्होंने कहा हैं तो नहीं, फिर क्या करोगे भारत जाके? तो उन्होंने कहा यहां कुछ उधार लिया है हमने, भारत पहुंच जाएंगे, फिर हमें लगता है कि बहुत माल है भारत में, तो पैसे तो भारत से आ जाएंगे, आप बस लाइसेंस दे दो। तो राजा ने जो लाइसेंस दिया इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसमें लिखा हुआ है कि तुम जो भी कुछ भारत में लूटोगे माने ट्रेड करोगे, अब ट्रेड का हर समय अर्थ लगाना लूट मार, हाँ नहीं तो समझ में नहीं आएगी आपको कहानी। तो राजा ने कहा जो भी तुम लूट मार करोगे इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो कंपनी ने कहा ठीक है आपका भी हिस्सा है। फिर राजा ने कहा इसमें चर्च का भी हिस्सा होगा। तो कंपनी वालों ने कहा हाँ ठीक है चर्च को भी देंगे। फिर राजा ने कहा मेरे जो चंगू मंगू है माने ये जो अधिकारी नजदीकी इनको भी देना पड़ेगा, हाँ हाँ देंगे। फिर ये जो पार्लियामेंट है इसको भी देना पड़ेगा, हाँ हाँ देंगे, हाँ हाँ करते गए। माने पैसे का बंटवारा पहले ही हो गया,
कि भारत में घुसोगे लूटमार करोगे तो इतना प्रतिशत राजा को, इतना प्रतिशत चर्च को, इतना प्रतिशत एमपीज को, इतने प्रतिशत अधिकारियों को, जो बचेगा वो तुम्हारा। इस पत्र को लेके वो भारत में आए, ये था उनका अथॉरिटी लेटर।